अस्सलाम व्यूअर्स, कोर्स करके आपको किसान दी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस टाइम जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो हाइप है वो बाबर आजम के फेक केस को दी जा रही है। कुछ मीडिया सोशल मीडिया के चैनल हैं जो बाबर आजम की हाइप बहुत क्रिएट कर रहे हैं। अपना जो हमसाया मुल्क है उधर से भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो बाबर आजम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके फेक रिलेशन के बारे में कोई ऑडियोज़ लीक कर दी गई हैं, पिक्चर्स लीक कर दी गई हैं। पिक्चर्स की जहाँ तक बात है वो तो चलो बंदा अपनी, अब मैं हूँ, आप हैं, जो भी जितने भी मेरे देखने वाले मर्द और फरात हैं, ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से जो अपने रूम में खेला होगा वो अपनी शर्ट लेस शर्ट उतार के ही लेटता है, इजी होकर रिलैक्स करके बंदा लेटता है। उसके ऊपर हम भी काफ़ी दफ़ा पिक्चर बना लेते हैं अपने मोबाइल से, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, जो फेक ऑडियोज़ लीक कर गई हैं जो उनकी उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, अभी जो हम ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो जो उनको कप्तानी के दबाव में, उनको कप्तानी से डाउन करने के लिए, उनको कप्तानी से हटाने के लिए जो उनके एंटी ग्रुप है वो ये सारा कुछ मेरे ख्याल से वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा। जैसे बाबर आजम का पहले कुछ एक साल पहले की बात है कि इस तरह एक लड़की आ गई थी जिसके मैं बाबर आजम से बचपन की मैं लवर हूँ, मेरे से वो बचपन से प्यार करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब भी वो बाबर आजम अपने आप को क्लियर कर गए थे। उनकी भी काफ़ी ज़्यादा इवन के पुलिस स्टेशन तक बात चले गई, काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबर आजम जैसे मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस के साथ वो अपने आप को क्लियर करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छी कप्तानी, मैं बार बार कहूँगा क्योंकि उसकी कप्तानी पे ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास कप्तान है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, एशिया कप का फाइनल खेले हैं, अभी आगे जाके उन्होंने वर्ल्ड कप एशिया कप खेलना है, तो इंशाल्लाह बाबर आजम ही कप्तान होंगे। उनके जो अगेंस्ट ग्रुप हैं जो ये काम कर रहे हैं कि उनको कप्तानी से हटाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लड़की की बात कर रहा था मैं, वो लड़की भी फेक, पहले उस लड़की ने बहुत सारे शोर मचाई थी, मेरी वीडियोज़ हैं बाबर के साथ, मैं बाबर के साथ बचपन से प्यार करती हूँ, उसका भी कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ, पैसे पुसे लेके चुप होगी, साइड पे निकल गई, अपनी फैमिली को लेके साइड पे निकल गई, पहले वो बड़ा शोर मचा था। अभी ये जो ऑडियो लीक्स है, पिक्चर्स लीक्स हैं, ये भी सब फेक हैं। मैं अपने फैंस को बताता चलूँ कि सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कप्तानी, उनको नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पूरी दुनिया मानती है, आप मानते हैं, मैं मानते हैं, इवन के जो उनके अगेंस्ट है वो भी मानते हैं। लेकिन ये भाग सिर्फ कप्तानी के सीट के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी बाबर आजम अपनी जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक उनके ऊपर कोई खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह की तरफ से नहीं आता, तो इंशाल्लाह वो कप्तान रहेंगे हमारे। अच्छे कप्तान हैं, अच्छे प्लेयर हैं, दुनिया में उनका नाम है। और ऐसी फेक खबरों को मैं तो यही कहूँगा जी कि जो लोग ये देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ऐसी फेक खबर को हाइप ना दें, क्योंकि जब हम ही उनको हाइप देंगे कुछ किए सुने बगैर, तो फिर इससे अगले प्लेयर्स का भी अगला जो बंदा है वो भी थोड़ा डाउन हो ही जाता है। कोई अच्छा खासा बंदा भी होता है तो वो भी हो ही जाता है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ऐसी फेक खबरों को नज़रअंदाज करें। बाबर आजम ने भी ट्वीट करते हुए यही बोला कि जी ऐसी बातों को हवा ना दें, ऐसी बातों को सोचें ना, ऐसी बातों को मैं नहीं लेता, टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा, बाबर आजम द बेस्ट कप्तान है, वही कप्तान रहेंगे टीम के, वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। दुनिया मानती है उनको और दूसरे लोग भी मानते हैं, और आप भी लोग भी माने, और ऐसी फेक खबरों को हाइप ना दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें।